Check. Check. Check, check. कहते हैं ना कि जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे बन जाते हैं जिनके बिना लाइफ की स्टोरी कुछ अधूरी सी लगती है. कुछ ऐसा ही रिश्ता रहा है मेरा वक्त के साथ. वक्त का और मेरा मानो 36 का आंकड़ा था और इसकी शुरुआत होती है बचपन से. वो स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां जिनका मैं पूरे साल इंतजार करता था, तभी ये वक्त मानो खुद का रिकॉर्ड तोड़ने उसेन बोल्ट बन जाता. यहां पलक झपकी नहीं, वहां स्कूल की घंटी बज जाती. एक दिन मैंने वक्त से कहा, जल्दी बड़ा कर दे भाई. तो वक्त ने कहा, बड़ा होने की इतनी भी जल्दी क्या है, ये बचपन फिर लौट के नहीं आएगा. फिर अचानक वक्त ने मारी पलटी. पापा की तबीयत बिगड़ी. उन्होंने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि बेटा अब बिजनेस को तुम्हारी जरूरत है. फिर क्या, सुबह कॉलेज, कॉलेज से सीधे फैक्ट्री. एक दिन सर पे सहरा बंध गया और मैं एक और रिश्ते की घोड़ी चढ़ गया. उस दिन से मैंने अपनी मेहनत को फोर्थ गियर में डाल दिया. कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब मेहरबान होता है तो छप्पर फाड़ के देता है. कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ. मुझे बिजनेस में एक बड़ा ऑर्डर मिला. मैं काफी खुश था. 2 हफ्ते में डिलीवरी देनी थी, पर इस बार जैसे वक्त ही थम गया हो. पैसा कहां से लाता मैं. फिर क्या, एक बड़ी खामोशी. कहां से लाऊं, किससे लूं, ब्याज पे लूं या दोस्तों से. सवालों पे सवालों की बौछार और चेहरे पे टेंशन की मार. तभी कुमार, मेरा बिजनेस फ्रेंड, मुझसे कहने लगा कि तुम ICICI बैंक से ओवरड्राफ्ट क्यों नहीं लेते. मैंने कहा, अरे यार वो पेपर वर्क की झंझट. उसने कहा, मिनिमम पेपर वर्क, बैंक के चक्कर काटना. उसने कहा, तेरे हर स्ट्रेस में साथ होगा तेरा रिलेशनशिप मैनेजर. इतनी बड़ी रकम मिलेगी कैसे. बोला, तेरी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट. मैंने कहा, 1 हफ्ते में लोन देगा कौन भाई. बोला, सिर्फ 48 घंटे में लोन सैंक्शन और वो भी कम इंटरेस्ट रेट में. सिर्फ 48 घंटे. मैं शॉक हो गया. मानो बैंक ना हो कोई अपना हो. बस वहीं से मेरी किस्मत और बिजनेस दोनों गिरफ्तार बढ़ गई. पहली बार मुझको ऐसा लगा कि जैसे वक्त मेरा दोस्त बन गया हो. वक्त, वक्त क्या है. वक्त वो है जिसके बिना जिंदगी की कोई कीमत नहीं है. वक्त वो है जिसकी कीमत दुनिया के हर उस नायाब और कीमती हीरे से बढ़कर है. वक्त. ICICI बैंक बिजनेस लोन्स, क्योंकि वक्त की कीमत हम जानते हैं.